हाँ जी, सूर्य के रथ में जो घोड़े दिखाते हैं आप इस बात की कौन कौन सी आत्माएं हैं? ज्ञान सूर्य कौन है? बाप ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाता है, तो बाप जिसमें ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाता है वो सिर्फ आत्मा है या साकार में गोला भी है? तो जिसमें साकार में पार्ट बजाता है उसमें सिर्फ ज्ञान सूर्य की ही आत्मा है या कोई और आत्मा भी पार्ट बजाती है? और आत्मा भी पार्ट बजाती है। ब्रह्मा की सुर पार्ट बजाती है? चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाती है ना, वो ज्ञान सूर्य है। सूर्य सदैव तपता है, या नहीं तपता है? सदैव तपता है। तो जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के प्रैक्टिकल पार्ट को देखा जाए तो एक शिव बाबा ही है जो सदैव स्वयं भी तपता है, औरों को भी तपाता है। जिसके मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा विराजमान है, तो एक है, तीन है, दो है, क्या कहा जाएगा? तीन। एक ही व्यक्तित्व है या दो तीन है? एक ही व्यक्तित्व। वो एक ही व्यक्तित्व को दो नारायण के रूप में पार्ट बजाते हुए मंदिरों में दिखाते हैं, जो अभी संगम की और सतयुग की यादगार है। सतयुग का पहला नारायण और संगम का वो नारायण जो विष्णु के रूप में दिखाते हैं मंदिरों में, तो विष्णु कहा जाता है। वो तो हो गया सूर्य, और बाकी और कितने नारायण हैं? सात और नारायण है। तो सात नारायण सूर्य के सात घोड़े हैं, जो रथ में दिखाए गए हैं। सातों ही नारायणी आत्माएं हैं जो उसको रथ को चलाने वाली हैं। वो सातों नारायण बेसिक में हैं या एडवांस में है? बेसिक में हैं। बेसिक में से शरीर छोड़ करके कहाँ जाती है? और मनरूपी घोड़े ऊपर उड़ जाते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं और सूर्य के रथ को चलाते हैं। उनको सप्त ऋषियों के रूप में भी कहा जाता है और सूर्य के सात घोड़ों के रूप में भी कहा जाता है। और बाबा जो 2012 पिक्चर बनी है, हैं? 2012 पिक्चर जो बनी है विनाश कर दी जो, उसमें मुरली से हमने टैली करके देखा है अच्छी तरह से, तो जो बाबा की मुंडी कहती है वो सेम टू सेम वही है। बारह में विनाश हो जाएगा जो
पिक्चर बनी है। हाँ, बारह में दुनिया का विक्टर तो ये कहती है बारह में दुनिया का विनाश हो जाएगा। नहीं, वो पिक्चर तो यही कहती है बाबा, लेकिन उसमें ये कहा कि आकाशवाणी भारत का कोई मेरा दोस्त था जो एक्टर था उसने कहा था, तो बाबा उनको कहाँ से पता लगे? उसका कुछ नाम पता है? सतनाम कुछ करके कहा। सतनाम है जो भारत का मतलब कहा था कि जो पिक्चर का मतलब एक्टर था। हाँ, उसने ये कहा था कि भारत का मेरा कोई दोस्त है तो उसने ही आकाशवाणी की थी। और नाम रूप कुछ है? सतनाम। सतनाम है, रूप है? अरे कुछ आता पता है? नहीं। जिसका आता पता ही नहीं मिलता दुनिया में उसको मानेगा कौन? भगवान का तो आता पता मिल जाता है तो सारी दुनिया मानती है, तो उसकी बात भी झूठी हो गई कि 2012 में दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। ऐसे आनन फानन में दुनिया का विनाश हो जाए और स्थापना हो भी नहीं तो दुनिया ही खलास हो जाएगी। स्थापना भी चाहिए, विनाश भी चाहिए और पालना भी चाहिए। ये सृष्टि अनाज है, ये अंत होने वाली है, तो सिर्फ विनाश की कैसेट दिखाने से थोड़ा ही काम होगा। उसका रहस्य होना चाहिए। रहस्य यही है कि जिस पृथ्वी को हम जड़ रूप में देख रहे हैं, जिस चंद्रमा को जड़त्व रूप के रूप में हम देख रहे हैं, जिस सूर्य को जड़ रूप में देख रहे हैं, जिन सितारों को हम जड़ रूप में देख रहे हैं, उनका कोई चैतन्य रूप भी है, उनके मानिंद कोई चैतन्य आत्माएं हैं पाठधारी इस सच रूपी रंगमंच पर, जिनके आधार पर ये जड़ जीव जंतु पाठ बजाते हैं। तो जड़ पृथ्वी के मानिंद कोई चैतन्य आत्मा है जो सारे पृथ्वीवासियों की मां है, जिसे कहते हैं जगदम्बा। वो दुनिया की सभी माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली है, सभी माताओं की प्रतिनिधि है। अभी दुनिया में देखा जाए तो सबसे जास्ती दुखी कौन हो रही है? माताएं ही सबसे जास्ती दुखी होती हैं। तो जो दुखी होता है उसके अंदर ज्यादा आग जलती है, या जो सुखी होता है उसके अंदर ज्यादा आग जलती है? बड़ी भारी अग्नि जल रही है पृथ्वी के अंदर। वो लावा जब फूट पड़ेगा तो सारी पृथ्वी पर बड़े बड़े ज्वालामुखी पहाड़ फटेंगे। पहले चैतन्य चेंज होता है या पहले जड़ चेंज होता है? पहले परिवर्तन किस में आता है? तो चैतन्य धरणी के लिए लागू हो सकता है, हो सकता है क्या? माया सभ्यता की कैसेट वाली बात, बाकी स्थूल धरणी के लिए वो लागू होने वाली नहीं। बात नहीं है। बाबा, सीता, मतलब रावण जो था ब्राह्मण था,
और ज्ञानी भी था, तो उसने सीता को हरण करने के लिए साधु का वेष क्यों बनाया, छल से क्यों हरा सीता को? साधु निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं? निवृत्ति मार्ग के। कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो बाबा साधु लोग तो मानते ही नहीं कि ये श्रेष्ठ है, बोलते क्या श्रेष्ठ है, बोलते प्रवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ नहीं मानते ना। साधु सन्यासी भी कहते हैं, स्वामी कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, ऐसे नहीं कि वो नहीं मानते। उन्हीं ने सवाल किया। हाँ जी, प्रवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, निवृत्ति मार्ग का श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए वो रूप धारण कर लिया। साधु का बीज बना के क्या हम निष्कष्ट हैं? निष्कष्ट काम कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे। बिच्छू है, अगर डंक मारता है तो बुरा करता है या अच्छा करता है? बुरा, उसका धंधा ही है। और जो हम लोग पढ़ाई करते हैं बाद में चार पांच चित्रों में, स्वदेशी स्वधर्मी बच्चों को कौन सा एक चित्र सबसे ज्यादा पसंद है, उसका क्या, उसके पीछे क्या चिंतन है? है? उसके पीछे उस बच्चे का क्या चिंतन है? किस बच्चे का? चार पांच चित्रों में स्वदेशी स्वधर्मी बच्चों को कौन सा एक चित्र सबसे ज्यादा पसंद है और उसके पीछे उसका क्या चिंतन होता है? सीढ़ी का चित्र सबसे पसंद है। और त्रिमूर्ति किस बच्चों को पसंद आता है? त्रिमूर्ति का चित्र क्या? त्रिमूर्ति किस बच्चे को पसंद है? त्रिमूर्ति वो चित्र है जिसमें तीनों मूर्तियों का जिक्र है, स्थापना का भी जिक्र है, पालना का भी जिक्र है, विनाश का भी जिक्र है। तो तीनों समान रूप से कौन सी आत्मा में समाई हुई बातें हैं? एक शिव की ही आत्मा है जिसमें तीनों ही बातें समान रूप से समाई हुई हैं। और वो प्रैक्टिकल में साकार में प्रत्यक्ष भी होता है। तो जो बच्चों को, जिस बच्चे को कोर्स करने के बाद त्रिमूर्ति पसंद है, उसके पीछे उसका क्या चरित्र होगा? वो बाप का बच्चा होगा। भारतवासी भी होगा। जैसे सीढ़ी का चित्र है वो सिर्फ भारतवासियों को ही पसंद है, जो पक्के भारतवासी हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, आद से अंत तक भारत में ही पार्ट बजाने वाले हैं, उनको सीढ़ी का चित्र बहुत पसंद आवेगा, क्योंकि सबसे जास्ती नीचे वोई गिरते हैं और सबसे जास्ती ऊपर वोई जाते हैं। और धर्म की आत्माएं न सबसे जास्ती नीचे जाती है न सबसे जास्ती ऊपर आती है। और ओम नमः शिवाय सीरियल जो आता है इसमें शंकर जी को 5 मुख सिखाते हैं, है? इसका राजरहस्य क्या है? बता तो दिया, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। वो तेरा किसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ? मुरली में ये वाक्य आया कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। तो पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, ये भी किसके ऊपर लागू होता है? हैं? तो शंकर वाली आत्मा के ऊपर ही लागू होता है। वो ही पांचों रूप धारण करने वाला है। विष्णु में 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। वो कौन सी 4 आत्माओं की सूचक हैं? है? जगदम्बा ओम राधे सरस्वती ब्रह्मा है, ब्रह्मा बाबा
और लक्ष्मी और इनको चलाने वाला भुजाओं को चलाने वाला कौन है? है शिव विष्णु में आता है? विष्णु के तो 84 जन्म हो गए। हाँ तो उसमें ये चारों भुजाओं का तत्व समाया हुआ है, इसलिए पंचमुख है। एक मुख काट दिया जाता है, कट गया तो देवान अलग हुआ या नहीं है? अलग देवान अलग हो गया, आत्मा अभिमान अलग हो गया। अच्छी बात हुई या बुरा बात हुई? अच्छी बात हो गई। बाकी जो ब्रह्म हैं, उनका देवान पूरा खत्म नहीं होता, इसलिए उनकी मूर्तियां नहीं बनाई जाती, उनके मंदिर नहीं बनाए जाते, उनकी पूजा नहीं होती। और ऐसा विष्णु तो देखा ही नहीं होगा जिसको चार भुजाएं हो और सिर न हो, होता है नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बाबा जो लौकिक परिवार में है, हम लोग के जो है जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, उनके लिए ऐसी कौन सी घड़ी आएगी जब वो इस ज्ञान को समझेंगे और इस ज्ञान में चलेंगे? बाप की प्रत्यक्षता की घड़ी होगी या नहीं होगी? होगी। संसार में बाप जब प्रत्यक्ष होगा तो अखबारों के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, हर साधन से प्रत्यक्ष होगा, और सारे संसार में प्रत्यक्ष होगा या कहीं किसी देश में प्रत्यक्ष होगा कहीं प्रत्यक्ष नहीं होगा? पूरे संसार में प्रत्यक्ष होगा। जब इतनी जोर शोर से बाप की प्रत्यक्षता होगी तो हमारे परिवार वाले मानेंगे नहीं है? सबसे पहले वो लोग आ गए। हाँ जी, अभी भी सबसे जास्ती प्रभावित हमारी बातों से होते हैं या मीडिया से प्रभावित होते हैं? हमारी बातों से प्रभावित हो रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं? आपकी बातों से प्रभावित होते हैं घर वाले? नहीं होते। कैसे प्रभावित होते हैं? मीडिया से प्रभावित हो जाते हैं। एक बार नहीं, बार बार प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, कहते हैं कि मक्का में एक शंकर जी की असली मूर्ति है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। क्या है? कहते हैं कि मक्का में ही असली शंकर भगवान है और यहाँ जो है और कुछ नहीं है। ऐसा क्या था? कि दुनिया में ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें मिलिट्री के आर्डर ही आर्डर भरे हुए हैं? है कुरान है, माने सबसे अच्छी मिलिट्री कौन से धर्म में है? दिमाग नहीं चलाती, जो आर्डर मिलेगा वो ही करेंगे। आज तक आत्मघाती दस्ते और किसी धर्म में निकले हैं? नहीं। कि अमेरिका में जाएं हवाई जहाज से और टकरा के अपने को भी खत्म करें और टावर को भी खत्म कर दें? जो ऑर्डर मिलेगा वो ही करेंगे। न कुआं देखना है, न खाई देखना है, न खंदक देखना है। तो रूहानी मिलिट्री भी है, सबसे जास्ती अनुशासन वाला महकमा कौन सा होता है? कि पुलिस वाले नहीं, मिलिट्री होती है। और मिलिट्री का मार्शल कौन है? रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर। तो जवाब मिला है?
क्या है? अरे मार्शल जो होगा वो किसके लिए बना हुआ है? मार्शल अपना काम करेगा तो किस आधार पर करेगा? मिलिट्री के आधार पर करेगा। तो सारी मिलिट्री तो वहां बैठी हुई है, और रूहानी मिलिट्री में पहले पहले कौन निकलेंगे? ये इस्लामी पहले मरेंगे। जो मरेंगे वो ही मिलिट्री के वॉरियर्स बनेंगे। उनकी बीज रूप आत्माएं हैं हमारे पास ब्राह्मण परिवार में, जो पहले पहले देवभानु को मारने वाले हैं। और सहस्रार युग और ज्वाला स्वरूप युग की व्याख्या है, और दोनों में श्रेष्ठ कौन तथा क्यों? सहज राजयोग ज्वाला रूप नहीं हो सकता, ये अलग अलग किसने बता दिया है? सहज राजयोग चलते फिरते करने के लिए है। हाँ, सहज राजयोग में भी अगर दृढ़ निश्चय है तो ज्वाला रूप हो सकता है। जो कठिन राजयोग है, हठपूर्वक किया जा रहा है, वो ज्वाला रूप नहीं बनेगा। बाबा, अष्ट कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ होगा। साहूकार पास जन्म ले तो प्रेत थोड़ी कहलाएंगे। कृष्ण का कितना नाम बाला है, बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे। वह तो सेकंड क्लास पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं है? जो सिर्फ निमित्त बनते हैं। कौन? बाप का, कृष्ण के बाप का। कृष्ण वह तो बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे। वह सेकंड क्लास है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं। कौन से कृष्ण की बात है? संगमी कृष्ण की बात है। संगमी भी कृष्ण की बात है। संगमी कृष्ण का जो बाप है, जो उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देता है, वो संगमी कृष्ण से ऊंचा है या नीचा है? है नीचे है। मतलब विदेशी आत्माएं है। हाँ, वो जो विदेशी आत्माएं हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करती है। अभी भी विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। लेकिन बाबा, इसमें ये भी बोला है कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। मतलब ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके भी तो बोलते हैं, तो इंटरफियर करके उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया। बाबरा नंगल डैम टूटेगा तो सारी दिल्ली डूब जाएगी। तो ये चैतन्य दिल्ली पहले डूबेगी ना? बिल्कुल। तो बाबा, चैतन्य में भाखड़ा नंगल कौन होगा? भाखड़ा नंगल जिसमें ये जो ज्ञान की रोक लगाई जा रही है, एडवांस ज्ञान को रोका जाता है, ये डैम नहीं है। जगह जगह पर डैम बांधे हुए हैं। जिस सेंटर से भी एडवांस ज्ञान निकलता है, एक भी जिज्ञासु निकलेगा वो डैम बनाना शुरू कर देते हैं। ज्ञान की धारा को रोकते नहीं है, आर्टिफिशियली नहीं रोकते हैं। धारा कभी कभी ऊपर से भी तो आ जाती है। ऊपर से भी तो आ जाती है। हाँ हाँ, जब ज्यादा भर जाएगा तो ऊपर से भी आ जाएगा। ज्यादा बरसात, मूसलाधार बरसात होगी तो सारे ही डैम फट पड़ेंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसका मतलब क्या है? जैसा बीज में है बीज पिंड है जी, जैसा बीज में है वैसा सारा ब्रह्मांड में है जी। बीज में नहीं है तो सारे वृक्ष में भी नहीं है। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक सृष्टि है, पूरा वृक्ष। हाँ, वृक्ष है। इस वृक्ष में वही है जो बीज के अंदर है। बाबा, सुबह सुबह सुदर्शन चक्र कैसे फिराना चाहिए? सत्य को द्वापर कलयुग संधि। आत्मिक स्थिति में हम जितना रहेंगे, जितना बीज रूप बाप को याद करेंगे, उतना हमारी आत्मा सूक्ष्म बनेगी। और सूक्ष्म आत्मा में
मनन चिंतन मंथन जास्ती होगा या स्थूलता में मनन चिंतन मंथन जास्ती होता है? सूक्ष्म में मनन चिंतन मंथन ऑटोमेटिक होगा। तो हमें प्रैक्टिस करनी है सूक्ष्म बनने की। मन बुद्धि रूपी आत्मा को जितना सूक्ष्म में टिकाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना स्वतः ही विस्तार हो जाएगा। विस्तार में जाने की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। विस्तार में तो हम 63 जन्म जाते ही रहे। अभी क्या करना है? सूक्ष्म बनना, जितना हो सके अपनी आत्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकाना है, आत्मिक स्थिति में टिकना है। आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो बाप स्वतः ही याद आने लगेगा। बाप मुरली ने बोला है कि मैं 25 तन में आता हूँ, 25 से 25 तन। तो अभी जो साकार रख है मुकर्र है, उसकी उनकी बाबा की जितनी भी सीढ़ी देख ली और वो सब सुना, कैसे सुने मुरली सुनी, तो उनमें तो वो 25 तन तो कहीं नजर भी नहीं आता। वो तो सारे गुण और शक्तियों का भंडार लगते हैं, तो 25 तन कहाँ से हो गया? वो बेसिक ज्ञान में आने से पहले की बात है। हाँ। ये बेसिक ज्ञान में आने के बाद की बात लगाएंगे। तो बाबा पहले भी तो बोलते हैं, पहले निराकार था? नहीं। अच्छा फिर लेकिन हम लोगों ने जीवन कहानी पढ़ी, उसमें भी ऐसा नहीं, पहले भी निराकार था? जीवन कहानी में दिया था बाबा की है भ्रष्टाचारी, स्कूल में भ्रष्टाचारी होते हैं बोल करके उन्होंने वो भी जॉब छोड़ दी। हाँ? जो लोग घूस मारते उनको घूस भी नहीं देते हैं, बाबा लेते थे। हाँ? दीदी ने जीवन कहानी। अच्छा अभी देते हैं? तो पहले इतने आप अभी है? तो घूस न देना वो तो एक अलग बात हो गई। तो फिर पति दुनिया में ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं जो सच्चाई को नहीं छोड़ते। सिद्धांतवादी, सच्चाई को अगर छोड़ दिया तो जैसे सत्य धर्म को छोड़ दिया, अपने धर्म को ही छोड़ दिया माने कन्वर्ट हो गए। तो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है वो क्या? है पतित की परिभाषा बाबा ने दी है, मन बुद्धि से आत्मा से पतित वो है जिसने अंतिम जन्म में मन बुद्धि रूपी आत्मा को इतना नीच बना दिया कि थोड़ा सा देवहन का संकल्प आया और शक्ति छीण हो गई। वो मेंटली ज्यादा पतित है या पावन है? हैं? ज्यादा पतित। बताया है कि जो फिल्म देखते हैं और जो उपन्यास पढ़ते हैं आज के तामसी दुनिया के, वो सबसे जास्ती मेंटलिटी उनकी गिरती है। मुरली में भी ये बात बोली है, सबसे ज्यादा पतन होता है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से, या शादी करने से ही पतित होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, मेंटेलिटी का पतन देखा जाता है। इंद्रियां ज्यादा पतित होती हैं, वो पतित नहीं है। लेकिन इंद्रियों का भी राजा कौन है? मन। मन से जो पतित होता है वो ज्यादा पतित है। मन कौन है? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा रूपी बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल के ऊपर अभी सवार है? शिव बाबा तो शंकर पर सवार होते हैं, शंकर को बैल पर सवार दिखाया गया है। तो ये संपूर्ण स्टेज की बात है या अपूर्ण पुरुषार्थी रूप की बात है? हाँ, शंकर जब बैल पर सवार है तो वो संपूर्ण स्टेज है। उससे पहले की जो पुरुषार्थी स्टेज है उसमें जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं वो रुद्राक्ष मणकों में प्रवेश होती है, या रुद्राक्ष के मणके जो चैतन्य में है वो सूक्ष्म शरीरधारियों में प्रवेश होते हैं।
अभी सूक्ष्म शरीर वाले प्रवेश। हाँ, अभी सूक्ष्म शरीरधारी प्रबल है, वो ही रावण संप्रदाय है। कौन से रावण संप्रदाय? जिसका नाम दिया है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी भूत। ये पांच भूत हैं और इनके साथ साथ प्रकृति के पांच रूप पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये रावण की मंदोदरियां हैं। जड़त्व बुद्धि वाली ये दस रावण के रूप हैं। पांच विकारों रूपी माया ने अभी प्रकृति से भी हाथ मिला लिया है। पढ़ा क्या? क्या पढ़ा? कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। कब बोला? ये तब बोला था जब बता दिया था कि माया तंग आ चुकी है, माया थक चुकी है, ये कहने के बाद ही कोई ब्रह्मा कुमारी रूपी माया थी जो हॉस्पिटल में लगातार कई दिन तक बेहोश पड़ी रही, बाद में शरीर छोड़ दिया। कौन थी? है कुमार का दादी। और शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, और सूक्ष्म शरीर धारण ही ने माया से हाथ मिला लिया, प्रकृति से हाथ, वो माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, तो ताकत बढ़ गई या कम हो गई? अब वहां तो हार गई और यहां अब ताकत बढ़ गई। जब ताकत बढ़ जाती है, उस समय का गीत गाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, माया नजरिया मारे गई रे, ब्रह्मा कुमारी विष्णु कुमारी शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, मार तो नहीं पाई लेकिन दाढ़ी तो हिलाई दी। तो प्रबल हो गई है और इसका अंजाम क्या होता है? जब शंकर की दाढ़ी हिलाई देती तो क्या अंजाम होता है? शंकर को महाकाली के नीचे पांव के नीचे पड़े हुए दिखाया जाता है। कुछ विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? कोई विरोध नहीं करते। बाबा नटराज उसके पैर के नीचे एक छोटा बच्चा दिखाई दे है, प्रजापिता कौन ज्ञान डांस करने वाला राजा है? दुनिया में जितनी आत्माएं हैं उन आत्माओं में सबसे जाती ज्ञान डांस कौन सी आत्मा करती है? प्रजापिता डांस करता है, वो ज्ञान डांस करता है कि शिव बाबा करता है? तो शिव बाबा के पांव के नीचे है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप और नरसिंह। नरसिंह के लिए प्रहलाद बच्चे का रूप है या बड़ा रूप है? है बच्चे का रूप है। और बाबा
निराकारी स्टेशन कैसे चुका? निराकार माने बिंदु, बिंदु ही याद रहे और कुछ याद न रहे, स्टार याद रहे। कोई ना कोई संकल्प आ जाता है। त्रेसठ जन्म के हिसाब किताब जब तक हैं, तब तक वो कूदेगा बीच में। आपने जिनके जिनके साथ, जिस किसी व्यक्ति के साथ, जिस किसी वस्तु के साथ त्रेसठ जन्मों में हिसाब किताब जोड़ा है ना, जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, तो रील में नहीं आवेगा? रिहर्सल की रील में आवेगा? नहीं आवेगा। वो आपको नहीं टिकने देगा, कहेगा हमसे तो हिसाब किताब पूरा करो, इसकी याद में जा रहे हो। बाकी त्रेसठ जन्म के जब हिसाब किताब पूरे हो जावेंगे, फिर कोई संकल्प नहीं आवेगा, सिवाय सिवाय ज्योति बिंदु आत्मा की याद के। हिसाब स्टॉक में जल्दी पूरा करने का कोई तरीका? अमृत वेला? अरे अमृत वेला नहीं बताया है? जल्दी सबका स्टॉक कितना खत्म हो जाए, बैलेंस शीट बची है ना, उनको बैलेंस बन जाए। हाँ तो अमृत वेला किसने मना किया है? अमृत वेला तो और ही ज्यादा संकल्प, इसीलिए तो अमृत वेला बताया। तब क्या करें, प्रैक्टिस करो, दृढ़ता धारण करो। जब बच्चा बीमार हो जाता है तब कैसे हॉस्पिटल में नींद नहीं आती है? माताएं ज्यादा ध्यान से सोचें, बच्चा मृत्युशैया पर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, नींद की बात नहीं है। अरे तो संकल्प विकल्प और ज्यादा आते हैं, जो हम लगाते हैं क्यों टूटता है, जो लगाते हैं क्यों टूटता है, ये कैसे टूटे? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास न तो कौनते है वैराग्य न चग्रह्यते। संकल्प बार बार आते हैं दुनिया भी, और दुनिया ही खत्म हो गई जब बुद्धि में आ गया, ये दुनिया भस्म हुई पड़ी है। इन आँखों से ये जो कुछ भी देख रहे हैं, सुंदर सुंदर चेहरे, सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर पदार्थ, वो सब आज दिखाई पड़ रहे हैं, कल खत्म होने वाले हैं। तो वैराग आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बात बुद्धि में याद रखें हर समय। माउटम में ब्रह्मवासुरी छोड़ने का बाद शिव बाप राम बाप के व्यक्तित्व में बाप के रूप में प्रवेश किया, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि 76 में प्रवेश हुआ है? 76 में प्रवेशता हुआ, ऐसा क्यों बोलता है? आत्मा जब प्रवेश करता है तो चुरपुर होती है, ऐसा बोला जाता है ना? हाँ तो चुरपुर हुई नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं कि जब ब्रह्मा बाबा ने शोर छोड़ा, ये कि जो माताएं हैं उन माताओं के बुद्ध रूपी पेट में सन 76 से आसपास, सन 76 से पहले चुरपुर हुई या नहीं हुई? छत्तर से पहले हुई। उनका बुद्धियोग हिला या नहीं हिला? उस समय की बात है, 76 की बात नहीं है। हाँ जी। अच्छा, और बाबा सोनक कुमार को लेटा हुआ क्यों दिखाते हैं? आराम से विष्णु लेटा हुआ है या खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है या सोता हुआ है? लेटा हुआ है तो आराम से, जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी वो आराम में रहेगा या बेआरामी में रहेगा? आराम में रहेगा। बाकी जो 3 है वो तो दूसरे दूसरे धर्म के बीज है, वो थोड़े ही उतने ज्ञानी तू आत्माएं हैं। और बाबा बंगाल में जो शिव बाबा का सबसे बड़ा यादगार बना हुआ है ये तारकेश्वर में, जो शिव बाबा का तो सबसे ज्यादा जानकारी है, जहाँ लाखों लाखों भक्त जाके पानी चढ़ाते हैं, भोले बाबा पार करेगा, कुर्पी चढ़ाते हैं, तो काली कलकत्ता वाली का गायन कहाँ से आ गया? ये हमको समझ में नहीं आता है। तो विनाश होगा कब, विनाश करेगा कौन? शिव बाबा विनाश करता है या शंकर विनाश करता है? कौन विनाश करता है प्रैक्टिकल में? कौन करता है? निमित्त कौन बनता है? है शक्ति है, निमित्त बनती है। तो जिसके द्वारा काम हुआ है उसको आगे नहीं रखना है।
और कोई ने संदेश दिया बच्चों को, संदेश देने की सेवा की, और उस बीच में किसी दूसरे ने आकर उसे अपना बना लिया, तो भाग्य किसका बनेगा? है? अरे जिसने संदेश दिया सच्चाई से उसका तो भाग्य बनेगा ही बनेगा। उसने संदेश नहीं ले पाया तो उसका पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है जो कौआ बीच में आ गया, उसने उसे ज्ञान नहीं लेने दिया, संदेश नहीं लेने दिया। लेकिन जिसने संदेश दिया उसका भाग्य बना या नहीं बना? उसका तो बन ही गया। मान लीजिए कोई बीके की आत्मा है, उसकी किसी ने उसको संदेश दे दिया लेकिन वो जगी नहीं, किसी ने उसको संदेश दिया पहले लेकिन वो 2-3 साल बाद तक जगी नहीं, उसने मतलब उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, उसके पीछे ही लगे रहे। जैसे कोई बीके की आत्मा है, कोई बीके की आत्मा है, उसको किसी ने पहले संदेश दे दिया लेकिन वो जगी नहीं, फिर उसके बाद किसी ने उसकी सेवा की और वो जगी और उसने वृत्ति की, तो इसमें भाग्य किसका बनेगा? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। मुरली में क्या बोला? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। आपके धर्म का नहीं होगा तो आपकी बात क्यों माने? आप क्यों 2-3 साल तक उसके पीछे लगे रहे? बाबा ने तो बोला है जो अपने धर्म का होगा 2 शब्द सुनेगा चिटक जावेगा, पकड़ लेगा, हटेगा ही नहीं। ये तो मुसलमान होते हैं जो कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियन होते हैं जो कन्वर्ट करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। हम क्यों किसी के पीछे पड़े हैं? हमें तो बाबा ने बता दिया अपने धर्म का होगा तो सहज सहज 2 बातें सुनाएंगे और फट से हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, हो हमारे धर्म का है। बाबा 4 नष्ट देव है, 4 नष्ट 4 4 नष्ट देव में 3 विदेशी हैं, 3 विदेशी हैं और जो एक है वो कौन है? आर्य समाज। अरे नवरत्न है, नवरत्न में एक पुखराज है, उसकी कोई कीमत होती है? कोई कीमत नहीं। क्यों कोई कीमत नहीं? क्योंकि कीमती काम ही नहीं कर पाता है, वो भी नष्ट देव में है। और कल्प का क्या मतलब? लिटरेचर पूरा पढ़ो, जो भी लिटरेचर है वो पूरा पढ़ो, जो कोर्स की किताबें हैं वो पढ़ो, जो कोर्स है वो भट्टी की है, कोर्स में ये बात बताई गई है कि जो कल्प 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 पूर्व के तरह कल्प 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 में आता हूँ, इसका मतलब ये है कि 4 युगों की शूटिंग में 4 बार अवतार होता है, 4 बार विशेष रूप से प्रत्यक्षता होती है। क्या? 4 बार प्रत्यक्षता होती है, 4 बार जो प्रत्यक्षता होती है वो सत्युग की शूटिंग एक, उसमें भी 4 अवस्थाएं पूरा कल्प समाया हुआ है, सत्युग की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं समाई हुई हैं, माना 4 युग समाये हुए हैं। ऐसे ही त्रेता युग की शूटिंग में भी 4 अवस्थाएं समाई हुई हैं, माने पूरा कल्प समाया हुआ है। तो कल्प 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 के संगम युग आता हूं, इसका मतलब है कि 4 युगों की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है।
बाबा मुरली में बोला है ये शंकराचार्य पशु मिशन मरेंगे। हाँ बेचारे गुरुओं के पीछे पड़ गए, इसलिए कि उन्होंने झूठ बताया। वो जानते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, हम अभी भी विकारी हैं, अभी भी विकार हमको पकड़ लेते हैं, फिर भी दूसरों को झूठ बहुत दूसरों को झूठ बोल बोल करके बरगलाते रहते हैं। इसलिए बोला ये सन्यासी पशुओं मिसल में मरेंगे। जैसे पशु होते हैं मरते हैं तो उनको कोई मुंह में पानी देने वाला नहीं होता है, ऐसे मरेंगे बलबला बलबला के। तो शूटिंग यही कर रहे हैं उसकी। हाँ जी बाबा बर्थ नाट पहने का मतलब शंकराचार्य वो भीष्म पितामह कैसे मरे थे, फिर एक बाण लगा था, दो बाण लगे थे, एक घाव लगे थे, दो चार भाव घाव लगे थे, घाव के ऊपर घाव लगे थे। ज्ञान जल पिया तभी मरे ना। बाबा ने बोला हुआ है कि बाप तो प्यार का सागर है और धर्मराज मार का सागर है, तो जब अंत में धर्मराज पिटाई करेगा तब प्यार का सागर बाप क्या धर्मराज को रोकेगा नहीं। अब बाप ने तो पहले ही घोषणा कर दी, क्या अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो धर्मराज खाल उधेड़ देंगे, तो पहले ही बता दिया। और बाबा बर्थ है नाथ पेनी का मतलब क्या? एक कौड़ी की भी कीमत नहीं, जैसे पहले कौड़ियां चलती थी, पैसे नहीं चलते थे, चलते थे चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और ये सोने के सिक्के चलते थे। जब सोने का रुपया चलता था उस समय सबसे कम कीमत होती थी कौड़ी की, ऐसे ही अंग्रेजों में सबसे कम कीमत का होती है पेनी, बर्थनाटे पेनी, माने एक कौड़ी की भी कीमत नहीं, एक पाई की भी कीमत नहीं। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, विश्रवा माने क्या? विश्रवा रावण को बाप बिसर गया कि बाप की बाप की बात याद आती रही, बिसर गया केके का। और माता का नाम केक्सी था तो केक्सी माना क्या है? और माता का नाम केक्सी था तो केक्सी माना क्या? कितने बच्चों को कस के रख सके, किसी के ऊपर कंट्रोल कर पाई है? किसी बच्चे के ऊपर कंट्रोल कर पाई? नहीं कर पाई। कहीं कसी? कोई को नहीं कसी। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं आ मेरे का आ मेरे हो क्या, अर्थात मेरे नहीं माया के हो, ऐसे ही कहीं कसी। दधीचि ऋषि की हड्डी को तो वज्र बनाया गया, क्या दधीचि ऋषि की हड्डी का वज्र बनाया गया, लेकिन उनके मांस को कामधेनु गाय खाती है, इसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? कामधेनु गैया कौन है? है जगदम्बा। जगदम्बा में अभी कौन सी आत्मा प्रवेश करती है? सिर्फ जगदम्बा में ही ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है या प्रजापिता में भी प्रवेश करती है? प्रजापिता में भी प्रवेश करती है, लेकिन प्रजापिता वाली आत्मा वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में दो दो अभिमान है,
उसको खत्म नहीं कर पाती। वही आत्मा जब कामधेनु में प्रवेश करती है, जगदम्बा में प्रवेश करती है, तो जगदम्बा उसका देह अभिमान रूपी मांस खा जाती है और उसको भी बीज रूपी स्टेज में स्थिर कराई देती है। जब जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करके शंकर के ऊपर चढ़ बैठती है तो ब्रह्मा को छोड़ देगी? नहीं। दधीचि को छोड़ देगी? तो दधीचि है ब्रह्मा बाबा, उनके देह अभिमान रूपी मांस को जगदम्बा रूपी कामधेनु खाई लेती है और जो हड्डियां बचती हैं, उन हड्डियों का वज्र बनाया जाता है, जिसका धनुष तैयार होता है, वो पुरुषार्थ रूपी धनुष राम वाली आत्मा को मिलता है। माना दधीचि ऋषि रूपी ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया, हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया ना, वो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ के धनुष को भी कौन तोड़ देता है? राम वाली आत्मा उसे भी तोड़ देती है। परशुराम का उन्हीं के लिए जिक्र आता है, परशुराम के घर में रखा था, परशुराम की कस्टडी में रखा गया। और बाबा द्वापर और कलयुग में जो है राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली या जगदम्बा वाली आत्मा संगम में ऐसी कौन सी शूटिंग होती है जिसके आधार पर जब द्वापर और कलयुग में हम पूजा करने लगते हैं मूर्तियों की, जो है ये तीनों आत्माएं अपनी ही मूर्तियों की पूजा कहीं ना कहीं करती होंगी, तो ऐसी शूटिंग इस संगम में कैसी होती है कि ये अपनी ही मूर्तियों की उधर पूजा करने लगती? राम वाली आत्मा की कोई पूजा नहीं कर रहा है? लक्ष्मी नारायण की कोई पूजा नहीं कर रहा है? बस विक्रमादित्य जो है वो लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहा है, ऐसे ही है। अरे ये तो टाइम भी पूरा नहीं हुआ, ओम शांति करना है? नहीं 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 नहीं। अच्छा बाबा, आप मड़की हैं और सप्त ऋषि, तो इन दोनों का थोड़ा विस्तार। अरे सप्त ऋषि तो वो हैं जो नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, और अष्टदेव हैं, अष्टदेव की बात कर रहे हैं, अष्टदेव हैं वो नारायण बनने वाली आत्माएं नहीं है, बल्कि नारायण बनने वाली आत्माओं में भी प्रवेश करके उनको सुधारने वाली आत्माएं हैं। बीज है, नारायण वाली आत्माएं जड़ हैं, वो जड़ें हैं और वो बीज हैं। और बाबा लंका में असुरों का राज था, मार काट सब हुई, बर्बाद हो गई, लेकिन उसके आगे श्री क्यों लगाते हैं? है श्रीलंका? हाँ श्रीलंका। आखिर रचना है किसी की? नहीं। लंका को किसी ने बनाया या नहीं बनाया? किसकी रचना है? नहीं, शंकर ने रचा, शिव ने रचा, तो शिव श्रेष्ठ है कि नहीं? तो उसकी रचना भी श्रेष्ठ है, तो श्रीलंका कहा जाता है। दूसरे देशों को पहले श्री नहीं लगाया जाता, लंका के पहले श्री लगाया जाता है। बाबा श्रीनगर को तो श्रीनगर कहते हैं, श्रीनगर है उसको श्रीनगर कहते हैं। हाँ, भारत माता का जो मैप है, उस भारत माता के मैप में मस्तक कौन सा है? मस्तक को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे? मस्तक उत्तम अंग नहीं है? सब अंगों में उत्तम नहीं है? अगर श्रीनगर श्रीनगर नहीं है, श्रेष्ठ नगर नहीं है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तानी लोग श्रीनगर के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं कि नहीं?